60,000 रुपए की ठगी करने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों ने की थी पेट्रोल पंप मालिक के साथ ऑनलाइन ठगी। आरोपियों ने ओटीपी पूछ कर दिया था ठगी को अंजाम। पीड़ित द्वारा इस मामले में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बोलू एक ये थाना कुमराज की घटना है और 26/3/19 की घटना है और उसमें पेट्रोल पंप मालिक देवकी नंदन कासट है, उनसे फ़ोन करके जो आरोपी गण है चर्चा की है और NEFT के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र करने की बात हुई है और उसमें पुलिस के जो प्रधान आरक्षक हैं उनके माध्यम से चर्चा आगे बढ़ाई है कि हमें आवश्यकता है पैसे और कृपया आप पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपको पैसे लौटा देंगे। इस चर्चा के बाद वो पेट्रोल पंप मालिक विश्वास में आ गए और उनको खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। पेट्रोल पंप मालिक ने बिना तस्दीक किए और बिना अधिकृत जानकारी लिए उन्हें जो NEFT के माध्यम से जगमोहन और पिंटू सिंह दो लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और 60,000 रुपये की धोखाधड़ी की है और इस धोखाधड़ी पर थाना कुमराज में कार्रवाई की है और पुलिस ने तत्परता से इनकी छानबीन की, जांच की और तकनीकी आधार पर इनको पकड़ा गया और एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए है और क्षेत्र के लोगों के लिए भी एक ये महत्वपूर्ण संदेश है कि इस प्रकार ये जो आरोपी हैं पढ़े लिखे हैं और तकनीकी जानकारी रखते हैं, इसमें टेक्निकल इशू कोई जानते हैं और वो अच्छे लोगों को भी गुमराह करके पैसे ऐंठ लेते हैं, धोखाधड़ी करके पैसे अपने खाते में ट्रांसफ़र करा लेते हैं। तो लोग जागरूक रहें, अपने जो भी फ़ोन आते हैं, अनजान फ़ोन आते हैं, उन फ़ोनों के बारे में पहले तस्दीक करें, संबंधित व्यक्ति से पूछें कि कौन बोल रहे हैं, क्या है क्या नहीं, सही तस्दीक होने के बाद ही खाते में ट्रांसफ़र करें। ये एक विशेष इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है।